तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आप सभी को इस रील को एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना एंड सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना। एंड आगे का मेथड मैं बताता हूँ आप सभी को। नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड उसका दे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप सभी को पहले स्टार्टिंग की जो वीडियो होगी गाइस, जिसमें उस वीडियो को आप सभी को लेना है या फिर आप बना लेना है, फिर आपकी अगर कोई पहले की कोई वीडियो है तो उसको आप थोड़ा सा कट कर लेना या फिर इसके अंदर हम कट कर लेंगे। तो मैंने तो पहले से कट कर रखा है तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ से आप सभी को फोटोज़ लेनी है, 5 से 6 फोटो, मतलब कि 10 फोटो आपको स्टार्टिंग में लगानी है, 10 बाद में लगानी है। तो अब 10 फोटो यहाँ से ले लेना। ओके, सो 10 फोटो लेने के बाद, मतलब कि मेरे पास यार थोड़ी कम फोटो है तो मैं थोड़ी कम फोटो यूज़ करूँगा। तो आपके पास मतलब कि आप 20 फोटोज लगाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से दूसरी वीडियो भी ले लेता हूँ जो उसके बाद आएगी, तो मैं इसको ले लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से ये नीचे राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड ये आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद पहले हम यहाँ से म्यूज़िक ले लेंगे। एंड म्यूज़िक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से मैं म्यूज़िक को मैंने ले लिया है एंड यहाँ से मैं सिंपली डन करूँगा। नीचे वाले ऑप्शन पर देख के यहाँ से नीचे लेकर राइट का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक बार चला के देखेंगे कि यार ये पूरा मतलब कि म्यूज़िक ठीक ठाक है। तो यहाँ पर हम, और गाइस आप सभी को मैं बता दूँ कि जो मतलब कि म्यूज़िक का मैं आप सभी को नहीं सुना सकता, बिकॉज़ यार कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है तो इस वजह से मैं आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकता। बट मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो गाइस पहले आपकी जो स्टार्टिंग की फ़ोटो होगी आपको उस पर प्रेस करना है एंड उसके बाद इस तरीके से, एंड उसके बाद यहाँ से ऐसे करके आपको छोटा कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद ताकि स्पीड में हो इसलिए हम इसको इतना इतना छोटा कर रहे हैं। तो गाइस हम सारी जितनी फ़ोटोज़ हैं हम सबको मतलब कि इतना छोटा कर देंगे। ओके, सो आप भी इस तरीके से कर लेना एंड उसके बाद मैं आप सभी को एक बार वीडियो को चला के दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है। तो बाकी तो बात की बात है, तो ये अभी मैं यहाँ से बता देता हूँ कि इसको हम फटाफट छोटा कर लेते हैं। सो लास्ट की जो लेयर है हमें यहाँ पे एक दो फोटो लगाने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है। तो हम यहाँ से पहले इन वीडियोज़ को एंड इसके बाद ये जो लेयर इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पर जाके फोटोज़ वाले ऑप्शन में जाके हम 3-4 फोटोज़ हम ले लेते हैं ताकि हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थोड़ी सी, तो आप देख लेना गाइस थोड़ा ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे फोटो को ले लिया है एंड उसके बाद सेम स्टेप वही है कि आप सभी को फोटोज़ को यहाँ पे छोटी कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से जितनी फ़ोटोज़ हमने ली है यहाँ पे हम इसको इन सबको छोटे कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या है आप सभी को, आपको दोबारा इस पर प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है, लेयर पर जाना है। ठीक है, एंड यहाँ से आप सभी को ये वीडियो है जो गाइस आपकी बीच की जो दूसरी वीडियो होगी आपको उसको लेना है। एंड सिंपली आप सभी को मैं वीडियो को यहाँ पे चला के दिखाता हूँ एक बारी कैसी हुई है। तो पहले मैं यहाँ से क्या करना है, पहले हम इस वीडियो को यहाँ से, ये वीडियो शायद गलत जगह पे आ चुकी है ऐसा लगता है मेरे को। तो पहले मैं इसको एक बार यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड वापस से यहाँ पे जाता हूँ एंड प्लस वाले ऑप्शन पर, इस पर यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर चल के यहाँ से हम वीडियो को लेकर आते हैं वापस से। ठीक है, तो हमने प्लस पर वीडियो को ले लिया है एंड यहाँ से राइट पर क्लिक करते हैं एंड ये वीडियो हमारे यहाँ पर आ चुकी है। तो अब इसको हम थोड़ा एक बार वीडियो चला के देखेंगे कि ये वीडियो कैसी हुई है। तो ये कुछ इस टाइप की बनी है। एक तो गाइज बार बार म्यूज़िक नहीं सुना सकता आप सभी को, तो यार उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके, सो अब लास्ट में जो गाइज क्या करना है, मैं यहाँ पे भी अब जो लास्ट की जो फोटोज़ थी हमें जो लास्ट में लगानी है, अब हमें वो उस फोटोज़ के लिए अब यहाँ पे हम प्लस पे जाएंगे एंड यहाँ से हमें जितनी भी बाकी वो जितनी बची खुची फोटोज़ होंगी हम सभी को वो फोटोज़ को ले लेना है। ओके, सो ये फोटोज़ वाला उससे मैं जाऊँगा एंड उसके बाद यहाँ से मेरे पास है कुछ फोटोज़ एंड थोड़ी कम है तो यार मैं वापस से रिपीट कर दूँगा उन फोटोज़ को। तो पर आप ऐसा मत करना, अब यार थोड़ा हो तो फोटो यार लगा लेना, वरना कोई जितने इतनी स्पीड में कोई फ़ोटो को नोटिस कर भी नहीं रहा है कि कौन सी फ़ोटो दोबारा आ गई है। तो चलता है ना, तो आप भी कर सकते हो। तो उसकी जो सेम स्टेप वही है, यहाँ पे भी हमें फ़ोटोज़ की साइज़ को छोटा कर देना है एंड इस पर टैप करते हैं हम।
आपके थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा सा एंडिंग में। तो लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम सिंपली टाइप मतलब टाइप करेंगे टू वीडियोस एंड टू फोटोज, ओह सॉरी 20 फोटोज। ओके सो यहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे एंड सिंपली हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड हमें इसमें इमोशंस लगाना नहीं है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर एंड फुल वाइट एंड ब्लैक कर देना है, ब्लैक बैकग्राउंड। ओके एंड उसके बाद यहाँ से हमें डन करना है एंड आप सभी कलर कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से कटर वाला उसमें जाके हम इसको इतना कट कर देंगे एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहेगा तो सही लगेगा, तो इतना बहुत है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।